जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो आपको ये कहूँगी कि फ़िल्में पहले भी अच्छी बनती थीं और फिल्में अब भी अच्छी बन रही हैं। कुछ अनजान लोग आ जाते हैं बीच में जो आके तो माहौल को ख़राब करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले की तरह से अब भी मेहनत उसी तरह हो रही है, अब भी स्क्रिप्ट पे उसी तरह ही मेहनत हो रही है और अब भी अच्छे अच्छे चुन के आर्टिस्ट लिए जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग सफारी पार्क में हैं और हमारे डायरेक्टर सुदीप भट्ट साहब हैं और फिल्म का नाम है गूगल आहोरिया और इसके खूबसूरत आर्टिस्ट मामर राना साहब हैं, साफ़ी ख़ान हैं और बहुत से आर्टिस्ट और हैं, मतलब जिस तरह हमारी हीरोइनों में मेहरू जी हैं और हमारे सीनियर आर्टिस्टों में अच्छी खान साहब हैं, मैं बंदा नाचीज़ राहिला आगा, मतलब हमारे ये सेट पे और शफक चीमा साहब हैं, मतलब बहुत अच्छी कास्ट है, बहुत अच्छी स्टोरी है, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। और रौनकें हमेशा से हम सब ने मिल के बहाल रखी हैं और ये बहाल ही रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, ये बताएं कि इस मूवी में आपका रोल जो है ना वो भी एक जानदार है माशाल्लाह से, तो आपको इस ये रोल करके कैसा लगा? माशाल्लाह से बड़े हर किस्म के रोल आपने किए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव माशाल्लाह से। जी ये इस मूवी में रोल जो आपका है कैसा लगा? इसमें भी करेक्टर मेरा बहुत अच्छा है, राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है और इसमें ये कहूँगी कि मैं हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डायरेक्टर्स जितने भी हैं सबको एक पंजाब की माँ का रंग नज़र आता है मुझ में शायद, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उसमें रंग भरने की पूरी कोशिश करती रहती हूँ। इसमें भी उसी तरह से मेहनत की है और उसी तरह से काम कर रही हूँ और करेक्टर ये भी बहुत अच्छा है जैसे मेरी पिछली फिल्मों में बहुत अच्छा था, इंशाल्लाह आपको पसंद आए। इसको ज़रा बता दें करेक्टर है क्या आपका, क्या करेक्टर रोल? नहीं इशारा क्या देना है, फिर आप सिनेमा में आके देखें। हाँ, क्योंकि फिल्म को अगर पहले से हम लोग बताएंगे कि मैं इसमें ये रोल कर रही हूँ तो फिर मज़ा नहीं आएगा देखने का, ये तो एक गुप्त है। तो आप आएँ आके सिनेमा हॉल में आके देखें कि किसने किस किस तरह से मेहनत की है और कितनी खूबसूरती से अपने किरदार को निभाया। अच्छा, ज़रूर आए। मैडम ये बताइएगा, आपने माशाल्लाह से काफ़ी फिल्मों और ड्रामों में हम आपको देखते हैं, फिल्मों में भी देखते हैं, आपका सबसे जो मेमोरेबल करेक्टर जो आपने कहा कि मैंने इसमें डूब कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बार बार उसको देखती हैं आप, कोई ऐसा करेक्टर कोई मूवी या ड्रामे का जो आपको यादगार करेक्टर किया हो आपने? मैं नहीं समझती कि आर्टिस्ट कभी भी मुतमईन होता है अपने रोल से, हमेशा वो नए से नया करने की कोशिश में लगा रहता है और मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि मेरे किरदार में नए से नयापन कुछ आए, और आता है और डायरेक्टर देते हैं और उसको मैं निभाती हूँ। अभी तक वो कहते हैं ना कि इसकी हद नहीं है, ये समंदर है इसकी तह नहीं है और इसकी तह तक आज तक कोई पहुँच भी नहीं सका, लेकिन कोशिश है कि आगे भी अच्छे अच्छे किरदार करूँ। अब जैसे हमारी ये फ़िल्म थी वोटी लेके जानी है, उसमें मेरा किरदार बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, पब्लिक ने बहुत पसंद किया। हुमायूं गुज्जर मेरी पहली फ़िल्म थी, उसमें बहुत अच्छा रोल था। वरियाम मेरी फ़िल्म थी, मतलब बहुत से ऐसे रोल हैं। अभी रिसेंटली आने वाली ये जो फिल्में हैं मेरी, जैसे अब ये जिसके सेट पे मैं हूँ गोगा लाहौरिया, इसमें मेरा बहुत मुनफरिद रोल है। फिर बबरा गुज्जर, बशीरा गुज्जर, मतलब बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिनमें बहुत अच्छे अच्छे किरदार कर रही हूँ। और आने वाली जो और मेरी फिल्में हैं जैसे लेजेंड मौला जट है, उसमें बहुत अच्छा करेक्टर किया है, अपनी तरफ से तो अच्छा ही किया है। अब आगे ये देखने वाले बताएंगे कि वो उसको कैसे मैं निभा पाई हूँ और किस हद तक उस किरदार के साथ मैंने इंसाफ किया है। टिच बटन है, ARY वालों की फ़िल्म है, वो भी मैंने की है, उसमें भी बहुत मुख्तलिफ किरदार किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत तो की है, आगे रंग तो अल्लाह ने लगाना है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़रूर अल्लाह रंग लगाए। अच्छा ये बताएं कि माशाल्लाह से जब आप बहुत सारे कैरेक्टर किए आपने नेगेटिव पॉजिटिव, हकीकी ज़िंदगी में कभी का हुआ कैसा कि कभी वो रंग वाले आ गया हो फिल्मों का, हकीकी ज़िंदगी में कभी कहा कि आपकी लाइफ कोई हटके ऐसे? नहीं, हकीकी ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये तो आप किसी और से पूछेंगे तो आपको बताएंगे ना कि मैं हकीकी ज़िंदगी में कैसी हूँ। कहती कि अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करना मियां मिठू बनने की आदत नहीं है मुझ में, लेकिन ये सिर्फ इतना बताऊं कि ये फ़िल्म के किरदार फिल्म के होते हैं, आम लाइफ है, इसलिए दोनों अलग अलग तस्वीरें हैं और अलग अलग इनके रंग हैं। फिल्म भी लोगों को पैगाम देना चाहें, पाकिस्तानी फिल्म पंजाबी फिल्मों के जो दिलदादा हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें फिल्म के हवाले से, आने वाली फिल्मों के हवाले से? जी हाँ, उनको ये ज़रूर कहूँगी कि अब ये जितनी फिल्में आ रही हैं आप आएँ सिनेमा हॉल में आएँ, हमें आपकी ज़रूरत है जैसे आपको हमारी ज़रूरत है और हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं हम सब आर्टिस्टों ने, और आके देखें और आपको पता चले कि फ़िल्म कितनी अच्छी बनी है।